ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से मन से धन से जैसे बने आप सेवा कर लो, देख लो आप कित। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपये मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपये किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपये 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई उसको हम सेवा में लगा दें, वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी जैसे यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनी कौन, बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला, परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं, हम धनी कैसे बनेंगे, बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो, और धर्म से चलोगे हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा, यही तो बैठे ना, कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं, अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं, और आप सुखी होंगे इससे, आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु हैं, अनंत माताओं में जो प्यार है ना वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए